हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल ए थीम ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। गाइस, अभी हमारा एक वर्डप्रेस ट्यूटोरियल का ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो गाइस अगर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इस सीरीज के सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और आप अपने वेबसाइट को इसके बाद खुद डिजाइन कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। हमने इसमें हमारे डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन कैसे करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपको लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा। तो गाइस, अभी हम जो देख रहे हैं ये है हमारा डैशबोर्ड, जहाँ पर हम हमारा सारा काम करेंगे। और यहाँ पर राइट साइड में एक और टैब में मैंने ओपन कर रखी है हमारी वेबसाइट, तो आप देख सकते हैं अभी ये वेबसाइट का लुक जो है वो ऐसा है, क्योंकि हमने जो थीम डाला है वो 2017 का है, तो अभी हमें ऐसा लुक यहाँ पर मिल रहा है। तो गाइस, यहाँ पर अब हम इसके थीम को चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद हमें यहाँ जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाके हमें थीम्स का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो थीम्स का ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ थीम्स अवेलेबल है, लेकिन ये जो थीम्स है, ये जो फर्स्ट थीम आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो भी फर्स्ट थीम होगा ये वो थीम होगी जो हमारे ऑलरेडी सेट है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का, और इसमें आप देख सकते हैं एक्टिवेट का ऑप्शन है और लाइव प्रीव्यू का, और इन बाकी सब में एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी थीम अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है, और यहाँ पर भी एक ऑप्शन है ऐड न्यू का, तो हम यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो ऐड न्यू पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है जो सारी की सारी यहाँ पर फ्री होती है। तो गाइस, इनमें से कोई भी थीम से आप अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। प्रीमियम थीम भी होती है जो आपको $50, $100, $150, $300 तक की थीम्स अवेलेबल होती है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो फ्री थीम्स में हम यहाँ पर सीखेंगे, क्योंकि अगर प्रीमियम थीम ले लेते हैं तो वहाँ पे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी होता है, लेकिन उस थीम को समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप फ्री थीम्स को नहीं समझ सकते तो प्रीमियम थीम्स को समझना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो गाइज, यहाँ पर हम कोई भी एक थीम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही हो, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी अच्छी है। डिपेंड करता है आपके वेबसाइट के नीड्स पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं बिलाइस। तो इस पे हमें सबसे पहले हमारा काम होता है इसको इंस्टॉल करना होता है हमें, तो हमें यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, और हो गया। ये आपके इंटरनेट की स्पीड और आपके सर्वर के स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक्टिवेट पे हम यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये थीम हमारी एक्टिवेट हो जाएगी, और जो पहली जो थीम लगी हुई है वो हट जाएगी। तो चलिए, हो गया ये एक्टिवेट। और अब आप देख सकते हैं जो हमारी ये थीम थी जिसके नीचे कस्टमाइज लगा हुआ था वो यहाँ नीचे आ गया, और हमारे लेटेस्ट थीम के यहाँ पे ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब है कि ये थीम अब अप्लाई हो चुकी है। तो चलिए, अब हम देख लेते हैं, इसीलिए हमने वेबसाइट यहाँ पे देख लोड कर रखा था ताकि हम इसको रिफ्रेश करके चेंजेस देख पाए यहाँ पे। तो चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, देखिए अब आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट अब कुछ ऐसे दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि थीम में तो इसको ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि गाइस थीम जब यहाँ पर रखते हैं तो उसके अंदर एक इमेज होती है। थीम के अंदर तो इमेज थी, लेकिन हमारे वेबसाइट में यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है, कोई भी इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब हम जाएंगे डैशबोर्ड में वापस। अब यहाँ पर जैसे ही हम थीम हमने नया जैसे ही इंस्टॉल किया, यहाँ पर वो कह रहे हैं इस थीम के लिए कुछ प्लगइन्स को यहाँ पर ये इंस्टॉल करने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें उस प्लगइन्स को भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब ये प्लगइन्स इंस्टॉल करना, ये सब तो बाद की बातें हैं, ये सब अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हम फिलहाल सिर्फ थीम्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये थीम हमने अब इंस्टॉल कर लिया। अब थीम्स को इंस्टॉल करने का एक और ऑप्शन होता है, तो उसके लिए जो दूसरा ऑप्शन होता है, कई बार क्या होता है जब हम प्रीमियम थीम्स खरीदते हैं या फिर हमारे किसी फ्रेंड से हम थीम लेते हैं, तो वो थीम
फ्रेंड से ली हुई थीम हमें यहाँ पर तो मिलने से रही कि हम उसे डायरेक्ट इंस्टॉल या एक्टिवेट कर दें। तो वहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम करना सब वही है। ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड से ली हुई थीम या फिर कहीं से परचेस की हुई थीम आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर थीम अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, ऐड न्यू पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको अपलोड का ऑप्शन भी यही मिलता है। तो गाइस उससे पहले अपलोड का करने से पहले हमें ये देखना होगा, ये देखिए अपलोड का ऑप्शन यहाँ पर है। तो अपलोड करने से पहले हमें थीम डाउनलोड तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें डाउनलोड करने के लिए हमें जाना है वर्डप्रेस की वेबसाइट है। wordpress.org, आपको wordpress.com पे नहीं जाना है, wordpress.org पे आना है। अब यहाँ पर देखिए थीम्स का ऑप्शन है, तो हम यहाँ थीम्स में जाएंगे और इनमें से कोई भी एक थीम हम ले लेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक थीम सर्च कर लेते हैं, सिडनी। ठीक है, ये हमारी सिडनी थीम ये रही, तो हम इस सिडनी थीम को यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। ओके, सिडनी थीम अब यहाँ पे हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो उसके लिए अब हमें ये थीम हमारे यहाँ पर हमें इसको अपलोड करना है। तो गाइस सबसे पहले तो हम इसे जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ वहाँ जाके इसे हम कट कर लेंगे, यहाँ से कट करके हम इसको एक अलग फोल्डर में डाल देंगे। हमने एक दूसरा फोल्डर, न्यू फोल्डर बना रखा था, उसमें हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस थीम को अपलोड करेंगे। तो इस अपलोड करते टाइम भी कुछ चीज़ें अपन हमें ध्यान रखनी होगी। वो ये है कि अपलोड पे हम पहले जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपन को इसका रूल बताएगा। अपलोड पे हमने क्लिक कर दिया तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आपको जिप फॉर्मेट में अपलोड करना है, डॉट जिप में, और हमने जो डाउनलोड किया वो डॉट जिप में ही है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं विनरार जिप आरजिप। आपको इसे एक्स्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं करना है, एक्स्ट्रैक्ट अगर आप कर देते हैं तो फिर आप इसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ला के ड्रॉप कर देंगे। ये देखिए हमारी थीम यहाँ आ गई है। अब हमें इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो अब ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो तब तक हम वेट करेंगे। ओके डन, इंस्टॉल यहाँ पर हो गया है, ये थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब हमें वापस वही काम करना है कि हमें इसे अब एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद हमारी वेबसाइट कैसे दिखेगी ये मैं आपको फिर से बताऊंगा। ये देखिए अब सिडनी के यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है और ये साइड में हो गया है। तो अब चलिए हम वापस जाके रिफ्रेश करके देखते अपनी वेबसाइट को। देखिए अब ये फिर से वेबसाइट का लुक चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो जो इमेज थी वो फिर से यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये इमेज सारा हमें सेटअप करना पड़ेगा। जब तक हम सेटअप नहीं करते हैं हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो फिलहाल हमने हमारी थीम कैसे सेलेक्ट करते हैं ये हमने यहाँ पे सीख लिया है, और हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि पेज कैसे क्रिएट करना है हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट पे। और यहाँ पर आपने जो कस्टमाइज का ऑप्शन देखा था, इस कस्टमाइज में जाके हम अपने थीम को किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं ये भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस ये हमारे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल का सीरीज है, और अभी आपने जो वीडियो देखा ये वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज का सेकेंड वीडियो था। तो गाइस यहाँ पर आपको कंप्लीट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल मिलेगा बिल्कुल फ्री में। आपको बस करना इतना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो गाइस उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो में और आज के इस वीडियो में जो भी समझाया आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो गाइस अगर समझ में आया है तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपके पास कंटिन्यूसली आते रहे जैसे जैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।